देख रहे हैं हिसाब खेल का। मैं हूँ लक्ष्मी। खेल जगत में इस समय अवार्ड का दौर चल रहा है। कई खिलाड़ियों को पद्मश्री से नवाजा गया, मगर देश में जब भी भारत रत्न की बात होती है तो फैंस हर बार मेजर ध्यानचंद का नाम लेते हैं, जिन्हें तीसरी बार भारत रत्न के सम्मान से नजरअंदाज किया गया। ऐसे में फैंस का गुस्सा जाहिर है। उनका आज भी कहना है, भारतीय हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को इस सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल देना चाहिए थे। उन लोग लेजेंड थे भारत के लिए, बहुत ओलंपिक किए, गोल्ड वोल्ड बहुत इंडिया को दिलवाए हैं। पहले स्पोर्ट्स में उनको पहले मिलना चाहिए। बिल्कुल, उनको पहले मिलना चाहिए। जब मेजर ध्यानचंद सर को और बलबीर सिंह सीनियर सर को, उनको पहले मिलना चाहिए। बींग अ स्पोर्ट्स पर्सन, आपको पता है कितना हार्डवर्क करना पड़ता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को। एक स्पोर्ट्समैन के लिए आपको पता है कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन चलो कोई नहीं भैया, जो हुआ ठीक हुआ, लेकिन मेजर ध्यानचंद को ज़्यादा वो करना चाहिए था। बिल्कुल, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे मेजर ध्यानचंद और बलबीर सिंह, उन्हें मिलना चाहिए था। या मेजर ध्यानचंद काफ़ी अच्छे प्लेयर थे इंडिया के लिए, ऐसे स्पोर्ट्समैन, काफ़ी मेडल दिलाए उन्होंने ओलंपिक में भी, तो डिजर्विंग है वो। मेजर ध्यानचंद जी ने हॉकी के जादूगर कहा जाता था उनको, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे। पद्मश्री अवार्ड पाने के बाद से भारत के स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। NNIS से बातचीत में रिकॉर्ड 9 बार राष्ट्रीय टेबल टेनिस का खिताब अपने नाम करने वाले शरत ने कहा, पद्मश्री अवार्ड मिलने से उन्हें आने वाले साल 2020 टोक्यो ओलंपिक में देश को पदक दिलाने की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। This award only means that it gives me more encouragement to do very well in the forthcoming tournaments, especially in the Tokyo Olympic Games. I've started my planning. The planning was done in December. I've started the process. It's another 17 months to go from here. And I hope I'll do well there at the Tokyo Olympic Games also. और अब क्रिकेट। कप्तान कोहली के बाद मिताली राज की भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है। दूसरे वनडे मैच में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 8 विकेट से जीत दर्ज की। टॉस जीतकर भारतीय टीम का गेंदबाजी चुनना सही फैसला रहा। न्यूजीलैंड की महिला टीम महज 161 रनों में ऑल आउट हो गई, जिसमें झूलन गोस्वामी ने 3 विकेट लिए। छोटे से लक्ष्य का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना ने नाबाद 90 रनों की पारी, जबकि कप्तान मिताली राज भी 63 रनों के साथ मैच जीतकर वापस लौटी। इस तरह भारत ने 3 मैचों की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड दौर पर चहल टीवी लॉन्च की है, जिसको खुद यूजी चहल मस्ती भरे अंदाज में होस्ट करते हैं। इस पर न्यूजीलैंड में अपनी गेंदबाजी से कीवियों को होश उड़ाने वाले मोहम्मद शमी का डेब्यू हुआ, जिसमें शमी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे ड्रेसिंग रूम का माहौल बताया। उन्होंने कहा, टीम इंडिया एक परिवार की तरह लगती है, इसलिए मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। इसके साथ ही चहल ने शमी का निकनेम लाला बताया। शमी को टीम इंडिया में लाला के नाम से ही पुकारा जाता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सर पर या तो बाल आते नहीं या फिर फैशन के चलते बाल बड़े नहीं होने देते। ऐसे में टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन के बेटे जोरावर ने बाल उगाने के लिए एक सही तरीका बताया है। शिखर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनका बेटा जोरावर उनके कंधों पर चढ़कर शिखर के सर पर नमक लगा रहा है। गब्बर ने ट्विटर पर वीडियो शेयर करते हुए कहा, अगर आपके भी सर पर बाल नहीं तो नमक लगाएं। ये रेसिपी है जो ऊपर से गंजे है, आप नमक डालें, बाल आ जाएंगे। चलते चलते हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस शुभमन गिल को न्यूजीलैंड के खिलाफ आने वाले चौथे वनडे में विराट कोहली की जगह देखना चाहते हैं, हाँ या नहीं? जवाब दीजिए और युवा शुभमन को सपोर्ट कीजिए। और ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, जिसको तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। हाँ, एक और बात, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।